देख सकते हैं आज हमारे छत पे एक नया मेंबर आया है। हमारे छत पे नया मेंबर। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। शुरुआत ही ऐसी हो रही है, मतलब बिल्कुल कुत्ते के साथ। हमारी छत पे एकदम कुत्ता आ चुका है, पता नहीं कहाँ से आया है। यहाँ से आया होगा शायद, ये खंडर है ना बिल्कुल इसके जीने में, यहाँ से आई होगी वो, क्योंकि ये जो गेट है ना, ये गेट खुले रहते हैं, यहाँ से आई होगी। देख सकते हैं आप, यहाँ से आके ये हर बार इधर से आती है, ये इधर ही घूमती रहती है। अब पता नहीं इधर कहाँ पर गई, हमें भी नहीं पता। हम देखने गए थे, उधर है ही नहीं, ना यहाँ पे है, कहीं भी नहीं है यहाँ पर। हम उधर देखने गए थे, है ही नहीं कहीं भी। अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अब करते हैं पूजा। मैं आज आपको पूजा करते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो जब तो आपको दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि टाइम नहीं होता उस टाइम तो बहुत। पूजा कर ली है मैंने, अब चलते हैं गाय को रोटी देने। चलो चलते हैं जल्दी, गाय को रोटी खिला के आते हैं। गाय के पास पहुंच चुके हैं, अब मैं रोटी खिलाता हूँ इनको। मैं आ चुका हूँ गाय को रोटी खिला के, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, गाय को मैं रोज रोटी खिलाता। अभी ऊपर चलते हैं, बंदर आ चुके हैं शायद, थोड़े थोड़े देखते हैं। चलो गाइस, थोड़े थोड़े बंदर आ रहे हैं, जैसे वो री बंदरिया की बच्ची, वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, बंदर आ रहे हैं। लेकिन आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कपड़े टांग रखे हैं ना ये सब, तो इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ रहा है, मम्मी ने कहा दिया। चलो भाई ऊपर ही चलते हैं फिर, क्या करेंगे। गाइस आज लंच में बनने वाला है, दोपहर के खाने में मैं बता सकता हूँ आपको, आज बनने वाला है सांभर डोसा। ये मेरी मम्मी का फर्स्ट टाइम है सांभर डोसे में, तो देखते हैं खाएंगे कैसा लगता है फर्स्ट टाइम में, देखेंगे हम भी, दिखाएंगे आपको फर्स्ट टाइम मम्मी का डोसा। तो आपको सामग्री दिखाता हूँ मैं, सामग्री देख सकते हैं आप, ये गाजर है सांभर के लिए, गाजर, मूली, पेठा, घिया, और ये है अपना ये सांभर का वो क्या कहते हैं, सांभर बनाने का पूरा सामान है। ये है इमली, इमली सारी जमे हुए, जमे तो अलग मिलता हुआ आपको जब मम्मी बनाएंगी बिल्कुल मस्त तरीके से, आपको दिखाता हूँ, मजा आएगा। सांभर डोसा फर्स्ट टाइम है मम्मी का, देखते हैं कैसा लगे। गाइस हमारा फर्स्ट डोसा तैयार है बिल्कुल, ये सांभर बनाया है, ये सांभर थोड़ा मोटा बन गया, दाल ज़्यादा डल गई है इसमें, कोई नहीं फर्स्ट टाइम था। और ये डोसा बना है अच्छा है, खा के बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए डोसा विद सांभर, गरम है लेकिन बहुत बढ़िया बन रहा है गाइस, बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत बढ़िया, ट्राई करना आप पर, आप भी घर पे कभी, बहुत मस्त बनता है। गाइस इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड, अभी रात के 11:30 हो चुके हैं, मैं काम कर रहा था अभी तक, आपको दिखाता हूँ। 11:30 हो चुके हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मम्मी सो चुकी है। तो आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो आप मेरे सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना इस व्लॉग पर, सभी पर भी सब व्लॉग देखना मेरे, जाके बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग डालता हूँ। और हाँ मैं अब से व्लॉग 9:00 डाला करूँगा, सुबह 9 बजे मेरा व्लॉग आ जाया करेगा, तो आप 9 बजे मेरा व्लॉग देख सकते हो, आज से मेरा 9 बजे आ जाया करेगा व्लॉग, हर व्लॉग। तो गाइस बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।